वो शहर जहां पर संतोख बेन की तूती बोलती थी, उसी शहर के किले नुमा बंगले में संतोख बेन की बहू रेखा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। रेखा के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजकोट क्या पूरे सौराष्ट्र में फैल गई। संतोख बेन की बहू के कत्ल की खबर लगते ही मानो दहशत मच गई। लोगों ने आनन फानन में अपनी दुकानों पर ताला लगा दिया और पूरे बाजार में सन्नाटा ठहर गया। सबको मालूम था ये मामला आम कत्ल का नहीं है, बल्कि कत्ल उस बहू का हुआ है जो संतोख बेन जडेजा का दायां हाथ समझी जाती थी। अंदेशा जताया जा रहा था कि अब बड़े पैमाने पर गैंग वार होगा, क्योंकि उस वक्त हर किसी का शक गुजरात के ऐसे गैंग्स की तरफ जा रहा था जो लंबे अरसे से संतोख बेन और उसके परिवार के साथ दुश्मनी निभाते चले आ रहे थे, और इसी गैंग वॉर के चलते कई लोग मारे गए थे। खास बात यह थी कि संतोख बेन की दुश्मनी किसी एक खास गैंग से नहीं थी, बल्कि संतोख बेन को हटाकर अपना वर्चस्व जमाने का ख्वाब हर गैंग देख रहा था। लेकिन उस वक्त गुजरात में अगर किसी गैंग की तूती बोलती थी तो वो संतोख बेन जडेजा का ही गैंग था। ना केवल पुलिस बल्कि आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि रेखा को मौत के घाट किसने उतारा। पहली नजर में तो सबको ये गैंग वॉर लग रहा था और सब अलग अलग गैंग्स का हत्या के पीछे हाथ मानकर चल रहे थे। पुलिस भी गैंग वॉर की नज़र से ही इस कत्ल को देख रही थी। हालांकि जिस जगह संतोख बेन का घर था और जहां पर रेखा का कत्ल हुआ था, वहां पर किसी बाहरी शख्स का आना और वारदात को अंजाम देना मुश्किल ही लग रहा था। 1986 में गॉड मदर के पति की मौत के बाद ये पहली बार था जब संतोख बेन के परिवार के किसी सदस्य की जान गई हो, लिहाजा मामला बेहद खतरनाक हो चला था। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी बहू के कत्ल के बाद संतोख बेन बिल्कुल खामोश थी। संतोख बेन और उस वक्त जेल में बंद रेखा के पति की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था। इस मामले में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे लोग थे जिनका वास्ता रेखा जडेजा के कत्ल से हो सकता था। अब ऐसे गैंगों के गुर्गों की कुंडली खंगाली जाने लगी जिनका वास्ता इस हत्या से हो सकता है, लेकिन गॉडमदर की खामोशी सबको चुभ रही थी। गॉडमदर के पति सरमन मुंजा का जब कत्ल हुआ था तब इशारों इशारों में संतोख बेन ने साफ कर दिया था कि जो भी सरमन के कत्ल की साजिश में शामिल है उनका अंजाम ठीक नहीं होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। सरमन के कत्ल की साजिश रचने वाले एक के बाद एक अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन इस बार गॉडमदर बिल्कुल खामोश थी। तो क्या ये तूफान के आने से पहले की शांति थी या फिर गॉडमदर कत्ल का बदला लेने के लिए सही जगह वक्त और तारीख का इंतजार कर रही थी।